पीएनआई टॉक में मैं विकास त्रिपाठी अपने दर्शकों के साथ साथ स्वामी जी का भी एक बार पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार स्वामी जी। जैसा कि हम काफी समय से कुरान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी, स्वामी जी इस्लाम व दाढ़ी का क्या महत्व है? अरे बाप रे, बहुत बड़ा बवाल है तो आपने एक ऐसा सवाल किया कि जिसका एक एपिसोड में पहले भी मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी है और ब्रह्मा जी इकलौते मंदिर माने जाते हैं पुष्कर में। ब्रह्मा जी का दूसरा कोई मंदिर नहीं, वहाँ ब्रह्मा जी इकलौते मंदिर के पैटर्न पे चल रहे हैं या इस्लाम अकेले अल्लाह सिंगल अल्लाह के पैटर्न पे चल रहा है? दाढ़ी ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड और यहाँ अल्लाह कयानात। दाढ़ी का देखिए जो 6/10/2016 को थर्सडे की जुम्मे रात को छठे नवरात्रे पे एक व्यक्ति अपने घर पे आया, उसने फलाहार खाया, नवरात्रों के व्रत चल रहे थे, वो नहाया। ये बात बार बार हर एपिसोड में लगभग बताई जा रही है। फिर खाना खाकर वो फलाहार करके नहाकर जैसे ही अपने बेड पे लेटा कोई बाबा जी के भजन लगाकर ईयरफोन, तो उसे एक झटका लगा, वो एक काली जगह पर पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत बड़ा धमाका देखा, फिर धुआं ही धुआं देखा, फिर उसके बाद वो एक सारा एक बहुत सुंदर फूल का निर्माण हो गया। फूल का निर्माण होने के बाद उस फूल से 2.5 गुना बड़े एक आदमी से वो मिला और वो वापस इसके बाद 40-45 सेकंड बाद अपने कमरे में आ गया। इस 40-45 सेकंड में ही उसके दिमाग के अंदर ब्रह्मांड के रहस्य डाले गए, भगवानों की बातें डाली गई, एक नबी के बारे में डाला गया क्वेश्चन मार्क, इस नबी ने ऐसे क्यों किया। उसके बाद उसने अपनी तैयारियां शुरू की। तो देखिए वो जो व्यक्ति मिला उसे, उस व्यक्ति की दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी, समझे आप? दाढ़ी थी, मूछ नहीं थी और पूरे ब्रह्मांड से व्यक्ति 2.5 गुना बड़ा है। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस्लाम को इसका क्रेडिट मिलता है कि इस्लाम ही चल रहा है जहां मूछ नहीं है दाढ़ी है। मगर अब आप इसका रूप पलट के देखिए, जब आप बहुत दूर से किसी ऐसे शख्स को देखेंगे तो वो हार पहने हुए औरत भी तो हो सकती है, मूछ वहां भी नहीं है और दाढ़ी वहां हार आ जाएगा तो वो हार भी तो हो सकती है और हार के साथ औरत हो सकती है। तो देखिए दाढ़ी इस्लाम ने अपनी नहीं पैदा की, इससे पहले ये यहूदियों की दाढ़ी थी। यहूदी आज भी वो कुछ अपनी जटाएं रखते हैं जैसे हम भारत के साधु रखते हैं, यहूदी अपनी जटाएं रखते हैं। तो दाढ़ी ऐसे नहीं आई, दाढ़ी पीछे से चली आ रही है। तो इस्लाम में एक अपना दाढ़ी जो है इनकी बहुत बड़ी सुन्नत है। जबकि देखिए कुरान की एक आयत है 4:47 सूरह 4:47 जिसको AK-47 भी वो बड़े प्यार से हंसी मजाक में कहता है कि आयत नंबर AK-47, इसमें अल्लाह कहते हैं कि देखो इससे पहले कि तुम ईमान लाओ इस किताब पे जो तुम्हारे सामने है, नहीं तो तुम्हारी मैं गर्दनें मोड़कर शक्लें खराब कर दूंगा और पीठ की तरफ मोड़ कर दूंगा। तो देखिए कुरान में लिखा, हाँ ये देखिए साफ साफ सीधा सीधा इसको संसार पकड़ता है कि ये तो सीधा कत्ल की आयत है कि भाई कुरान को मानो नहीं तो तुम्हारी मैं शक्ल खराब करके तुम्हारा पीठ के पीछे तुम्हारा मुंह फेर दूंगा। मतलब आप कुरान से जबरदस्ती कराना चाहते हैं? हाँ, अब देखिए अब कुरान में ये आयत तो ये बता रही है। तो इस्लाम वाले जो नारंगी सूट पहना कर नहीं, जो आतंकवादी जो गोरों को और इनको उनको समुद्र के किनारे जाकर गर्दन काटते हैं, कुरान हाथ में लेकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो ऐसी ही आयतों से इंस्पायर्ड होकर कर रहे हैं। जबकि इस आयत का आप मतलब सुनिए क्या है, अल्लाह कहते हैं कि इस्लाम वालों की कुरान तो तुम्हारे सामने पड़ी है, मतलब तुम इसका समझ नहीं रहे, शक्लें गंदी कर ली, दाढ़ी रख के मूछे हटाकर गंदी गंदी कैसे दाढ़ी निकाल कर अपनी शक्लें खराब कर ली और कुरान सामने पड़ी और तुमने अपना मुंह फेर लिया पीठ की साइड, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारी शक्लें खराब कर दी तुमने इससे पहले कि तुम्हारी शक्लें। तो दाढ़ी को अल्लाह 100% कंडम कर रहे हैं, 100% से भी ज्यादा अगर कोई परसेंट हो तो दाढ़ी वालों से तो अल्लाह इतने नाराज है। ये आयत 21 बार ये आयत आती है कि तुम उनकी जहन्नम में वो अपनी शक्लों से पहचाने जाएंगे, वो अपनी सूरतों से पहचाने जाएंगे, वो एक दूसरे को शक्लों से पहचान लेंगे। तो ये जो है ना दाढ़ी इस्लाम अपने आप की सुन्नत समझ रहा है, जबकि दाढ़ी इस्लाम के लिए वरदान नहीं श्राप है। ये लोग दाढ़ी रखकर भगवान का मुकाबला कर रहे हैं और भगवान एक ऐसे जो चींटी को भी मारने से पहले 100 बार कहेंगे कि भैया चींटी को मत मारो अपनी बलि दे दो। तो ये दाढ़ी का बड़ा रहस्य है। दाढ़ी जैसे आपको बताया कुरान अभी जालिमों के हाथ में, आलिमों के हाथ में नहीं है, जैसे ही कुरान आलिमों के हाथ में आएगी दाढ़ी का रहस्य खुल जाएगा। दाढ़ी के बाद वो व्यक्ति, जो व्यक्ति दाढ़ी रखेगा इसके लिए पहले भी बता दिया, वो अपने बेटे की गर्दन कटवा देगा मगर चींटी को मच्छर काट जाए वो नहीं होने देगा। दाढ़ी का जब प्रारूप इस्लाम का असली मायने जब सामने आएगा
तो खेल ही बदल जाएगा। दाढ़ी को अल्लाह कंडम कर रहे हैं, दाढ़ी को अल्लाह गलत बता रहे हैं। दाढ़ी रखकर तुम जो आतंक के काम करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इंसानियत के खिलाफ काम को फंडिंग करते हो, ये सब तुम्हारी बहुत गलत हरकतें हैं। अल्लाह दाढ़ी को हर हाल में रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बातें सामने आएंगी। अच्छा स्वामी जी, कुरान में अक्सर जो है इबलिस का जिक्र होता रहा है। इबलिस का जी बहुत महत्व दिया जाता है उनके। कौन है ये शख्स? देखिए, इबलिस का जो कुरान में वर्णन है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैंने इंसान का निर्माण किया, यही बात सनातन धर्म में आती है, भगवान ने जब इंसान का निर्माण किया तो भगवान ने सब देवताओं को बुलाया और कहा कि इसको नमस्कार करो। तो इबलिस का जो आ रहा है कि अल्लाह ने जब इंसान को बनाया और इंसान के बदन में अपनी रूह फूकी, अपनी रूह, तो देखिए धरती पे जो आतंकवादी जिहादी जो मार रहे हैं लोगों को, उन्हें इस बात की पता नहीं, कुरान उन्होंने पढ़ी नहीं कि अल्लाह ने अपनी रूह डाल रखी है इंसान में। मतलब अल्लाह की रूह का कत्ल कर रहे हैं ये लोग। मगर चलिए वो फिर एक सेपरेट इशू है, सेपरेट टॉपिक है, बाद में बात होगी। कुरान साफ कह रही है कि अल्लाह ने अपनी रूह डाली इंसान में और उस रूह का आतंकवादी कत्ल करते हैं, आपस में भी कर रहे हैं एक दूसरे को, इस्लाम वाले और बाहर वालों भी मार रहे हैं। तो चलिए अब आइए इबलिस पे। तो जब अल्लाह ने आदम का निर्माण किया और सब फरिश्तों को बुलाया और फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, तो इबलिस ने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। इबलिस इज इक्वल टू जाकिर नायक। जाकिर नायक जो है ना, जाकिर नायक इबलिस का ही इस वक्त रूप धरती पे बैठा हुआ है। उसको जब कोई उसकी तकरीर करता है, वो अपने समागम करता है, अपने सत्संग करता है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, तो कोई उसको कहता है नमस्ते, तो कह रहे मैं नमस्ते नहीं कहूंगा। फिर वो नमस्ते के पता नहीं कौन से श्लोक निकालता है, नमस्तस्तुम पत्तुम पतक करके, क्या कि अल्लाह के आगे ही मुझे बस सजदा कर रहे। जबकि कुरान के अंदर दो जगह ये आयत आ रही है कि जब कोई तुम्हें सामने सलाम कहे तो उसका सलाम का उत्तर उसके सलाम से ही दो, ना कि और अच्छे शब्दों से दो। तो अल्लाह कह रहे हैं नमस्ते करने वाले को नमस्ते करो, मगर भाई साहब ये इबलिस जो है, इबलिस इज इक्वल टू जाकिर नायक, ये कहते नहीं जी हम नमस्ते नहीं करेंगे, हम तो सजदा करेंगे तो बस एक अल्लाह को करेंगे। तो देखिए इबलिस का जहां तक ताल्लुक है, ये इबलिस एक शैतान का प्रारूप बताया जा रहा है कि ये शैतान है और ये मनुष्य को भटका देता है। जबकि अल्लाह कहते हैं फरिश्तों को कि फरिश्तों तुम इसको सजदा करो, इबलिस नहीं करता, तो इसका मतलब इबलिस कहीं फरिश्ता ही है। मगर उस इबलिस को अल्लाह धरती पे जाकिर नायक जैसों से तुलना कर रहा है कि ये जाकिर नायक जो धरती पे घूम रहा है, ये इबलिस का ही शैतान वाला पार्ट अदा कर रहा है। जबकि यही इबलिस जो है, जब आदम और हव्वा को, जब इंसान आदमी और औरत को अल्लाह ने बनाकर जन्नत में कहा भाई जहां मर्जी खाओ पियो जैसे मर्जी, बस उस पेड़ को मत खाना, तो इबलिस आता है और इबलिस आकर कहता है इस पेड़ को अल्लाह ने तुम्हें मना किया है खाने को, इस पेड़ के फल को, तो तुम इसको अगर खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, अल्लाह चाहते ही नहीं तुम अमर हो जाओ। तो वो नर और नारी उस पेड़ के फल को खाते हैं, तो जैसे ही खाते हैं तो उनके प्रजनन अंग निकल आते हैं सामने। तो इबलिस ने तो उल्टा फरिश्ते का काम किया, मनुष्य के प्रजनन अंग खुलवा दिए ताकि आगे संतान चल पड़ी। और अल्लाह ने जो उन्हें कहा कि भाई ये तुम खाना मत, ये भी सारी इब्राहिम पद्धति अपने तरीके से इसको गलत ले रही है। अल्लाह ने अपने इंसान का निर्माण चेक किया कि इसको भूलने की आदत सही डल गई कि नहीं, क्योंकि ये भूलना ही एक कारण है कि आपका मेरा इसका उसका घर बस रहा है। अगर हम भूलने की आदत हमारे अंदर ना हो तो धरती पे किसी का घर ना बसे, धरती पे कोई तरक्की ना पाए, धरती में प्यार ना हो, सब आपस में दिल में गम लेकर बैठ जाएं, रंजिश लेकर बैठ जाएं। वो आदम और हव्वा जो भूल गए अल्लाह की ऑर्डर को और अल्लाह ने चेक कर लिया ठीक है भूलने की बीमारी पड़ गई इन्हें, सही यही बीमारी मैंने डालनी थी, ये आदत इनको सही है, अब इन्हें धरती पे भेजो। स्वामी जी जी, जैसा कि आपके पिछले भी कई सीरीज में हमने सुना जी कि जो वो शख्स, जो शख्स 6 अक्टूबर 2016 को जी कोई एक ब्लैक होल की यात्रा करके आया, उस शख्स के शहर में जी जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है जी, तो उसको अपनी जो है कुर्सी खोनी पड़ती जी, इसका क्या रहस्य है? देखिए 1984 में उस शहर में वो व्यक्ति आया, तब तो बच्चा था, तब तो उसे पता नहीं। 84 में जी, तो उस वक्त जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे उनकी सीट चली गई किसी वजह से। अच्छा, वो 1984 में वहां शिफ्ट किया था। उसके बाद फिर समय बीतता गया तो कुछ ऐसा हो गया उस शहर में कि उस शहर में जो भी मुख्यमंत्री आता था उसकी उसको राजनीतिक लॉस होता था। तो सन 2001 के बाद दो के बाद तो ऐसे आलम हो गए 15-16 सालों में कि वो शहर इस बात के लिए बेहद बदनाम हो गया
और जब भी उस राज्य के जो भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने उस शहर में आना बंद कर दिया, उस शहर के जो है उद्घाटन केवल राजधानी से कर देते थे। तो उसके बाद एक मुख्यमंत्री आए, इस बात का बड़ा विवाद होता है, उससे कई सवाल करते हैं जी ये मुख्यमंत्री तो बार बार आ रहे हैं भगवा चोला पहन रखा है, देखिए हाँ अभी वो जो है, तो उसका भी आप हिसाब सुन लीजिए। 25 दिसंबर 2017 को वो मुख्यमंत्री आए थे कोई रेलगाड़ी का उद्घाटन करने, उन्होंने और माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री जी को 2017 में मनीला में ट्रंप ने बता दिया था कि आपके देश से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उस व्यक्ति के पीछे ही संसार चल देता है। तो प्रधानमंत्री जी के गले में एक हड्डी फंस गई कि अब इसको खबर को बोले तो बोले कैसे, या पर्सनल कोई रीजन होगा या कोई भी राजनीतिक वो कोई भी वो तो जब आएगा वो कुछ भी बोल देंगे जी लड़ाई हो जाती है हो जाता, वो अपना क्लियरेंस पा जाएंगे, अब जब भी कोई बात उठेगी वो अपना सफाइयां दे देंगे। तो देखिए 25 दिसंबर 2017 को जब आए तो मोदी जी को तो पता था, तो उसने अपने सर्कल में बता भी रखा था कि प्रधानमंत्री का मूड ऑफ होगा, आ तो रहा है क्योंकि इसको पता है कि खबरें अमेरिका से मिली हैं, उन्हें मनीला में ट्रंप ने बोला था उन्हें नवंबर 2017 में। तो मोदी जी एक स्टेशन दो स्टेशन के बाद ही प्रोटोकॉल तोड़ के निकल गए, तो सारी अखबारों में अगले दिन आया कि प्रधानमंत्री मिले गुमसुम, तो उसके दोस्त यार बड़े क्लास वन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर ही हैं उसके ज़्यादा दोस्त यार, उन्होंने उसको कहा भी तूने कैसे बता दिया पंडित जी, आपको कैसे पता कि प्रधानमंत्री का मूड ऑफ होगा। अगले दिन 26 दिसंबर को सारी अखबारों में छपा 2017 में। उसके बाद देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो नए नए बने थे वो एक वहाँ पर आगे कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ जाकर डाइस पे अपना टेबल पे हाथ मारते, कहते हैं ये सब मिथ हम नहीं मानते कि प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ नहीं आता, हम जनहित में ये सब नहीं करेंगे, हम जो है हम आगे बताओ हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा। तो देखिए उनकी 26 साल पुरानी सीट जो उनकी बेस सीट थी, जिस वो जहाँ भी एक मंदिर मठ था वहाँ की वो अपनी लोकल सीट हार गए। तो देखिए जब वो कुछ भी नहीं थे, चूचू का मुरब्बा भी नहीं थे, तब वो 26 साल से जीत रहे थे, और जब वो मुख्यमंत्री हो गए और उस पार्टी की पूरी इंडिया में लहर थी, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए तो माथा पकड़ के बैठे कि ये क्या हुआ। तो उस वक्त जो पुराने एक औरत एक आदमी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दोनों ने चुटकी ली, अखबारों में बात छपी भी कि आपको तो कहा था फलाने मंत्री जी मुख्यमंत्री जी आप उस शहर में मत जाना। फिर वो जो महिला भी कई साल राज करके गई, उसने भी कहा भाई वहाँ के शहर के तो उद्घाटन राजधानी से होते हैं, वहाँ तो कोई मंत्री जाता नहीं है मुख्यमंत्री। तो खैर चलिए उसके बाद उस मुख्यमंत्री साहब ने एक शिव स्रोत्रम अपने वहाँ पाठ करवाया जो भी अपने ऑफिस के अंदर, और उसके बाद उन्होंने भगवान से जो भी था अपना पूजा पाठ की। उसके बाद फिर वो 3 बार आते हैं उस शहर में, मगर एक 6 मील का दायरा होता है। आप सुनिए कुरान की बात इब्राहिम पद्धति की, इब्राहिम पद्धति कहती है कि क्रो फ्लाई मतलब आकाशीय सफर, 6 मील जहां पर वो व्यक्ति रहता है वहां से 6 मील के एरिया के अंदर अगर मुख्यमंत्री आएगा तो उसको पॉलिटिकल लॉस होगा। अच्छा। तो वो जो 3 बार आए वो वहां से कोई 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे कोई स्कूल कॉलेज है वो वहां जाते थे। एक बार उस 6 मील के एरिया में आए तो कोरोना के किसी अस्पताल का उद्घाटन करना था उन्होंने, वो उन्होंने उद्घाटन कर दिया। उसके बाद वो 3 बार आए तो उस स्कूल कॉलेज में आए। फिर 25 जनवरी 2021 को उन्हें आना था, 9 जनवरी 2021 को उस व्यक्ति ने उनको स्पीड पोस्ट किया मुख्यमंत्री कार्यालय पे वहां पर कि भाई आप आएंगे तो राजनीतिक लॉस हो सकता है। तो वो सारे इंतजाम हुए धरे करोड़ों रुपए के रह गए और वो 25 तारीख को नहीं आए 25 जनवरी को। उसके बाद फिर अभी 1.5 महीना पहले वो फिर कोई कोविड का कोई इंस्पेक्शन करने आए थे कोविड के अस्पतालों का, तो जैसे ही उस शहर में आए तो जैसे ही वापस अपने मुख्यालय पहुंचे तो 15 दिन तक वो अपनी सीट ही बचाते रहे। पता चला मोदी जी नाराज है, पता चला वो पोस्टर पे उसकी फोटो, पता चला आज गए 15 दिन तक वो कांपते रहे अपनी सीट बचाने के चक्कर में। तो देखिए वो एक एक जिस कोविड अस्पताल के उद्घाटन के लिए वो आए 2 साल पहले, वो उन्होंने जो अपने यहाँ पूजा कराई थी शुरू में 2017-18 में, उस पूजा का फल उन्हें मिला कि कोविड अस्पताल का उद्घाटन सही से हुआ। इसके अलावा वो आए तो 25-30 किलोमीटर दूर स्कूल कॉलेज में आए। इसके बाद जब वो आए एक बार 25 जनवरी को आए नहीं, और जब वो आए बिना किसी उसके तैयारी के बिना भगवान की पूजा के, तो वो 15 दिन तक अपनी सीट बचाने के चक्कर में घूमते रहे उस शहर के अंदर। ये ब्यौरा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, एक बार पुनः अगली कड़ी में जुड़ने के लिए हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारी कड़ी को मजबूत करें और हमें यूं ही लाइक्स और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।